तो कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल फरमाएं मोहतरम अल्ताज़ ज़िया साहब आपकी समातों के हवाले। हाजरीन, शुरू से आखिर तक मैं यहां बैठा शायर को भी सुन रहा था और आप सबके भी रुझानात मुझ तक पहुंच रहे थे। कहीं कहीं ऐसा मौका आया कि मैं उठकर आप सबके माथा चूम लूं। जब शेर पढ़ा गया कि पर्दे में रह के पर्दा बचाना नहीं कमाल, पर्दा बगैर पर्दा बचाना कमाल है, तो मैं अपने आप पर फख्र करने लगा और मैं ये सोचने लगा कि मैं जिस शहर में रहता हूं, जिन लोगों के बीच रहता हूं, वो हयादार लोग हैं, पर्दादार लोग हैं। मैं सलाम करता हूं आप सबको और मुबारकबाद पेश करता हूं आप सबकी जानिब से अपने भाई नौशाद हैदरी साहब को कि उन्होंने जितने भी शेर पढ़े हैं, अगर इस मजमे का एक शख्स भी उस पर अमल कर ले तो हम सब उसकी दुआ अगर कबूल हो गई तो हम सबकी बख्शिश भी हो सकती है। उन्होंने तमाम शेर ऐसे ही पढ़े थे जो हमारी जिंदगी में हमारे काम आएंगे। मेरे मोहतरम अनीस नैयर साहब का ये जश्न है और देखिए मैं एक बात कह दूं कि हमने जितना भी जो कुछ भी किया महीने डेढ़ महीने में, फनकार किसी का एहसान नहीं रखता। क्या बात, उन्होंने एक पर्चे पर तमाम कर्ज उतार दिए हमारे जो हमने उनके साथ किए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मेरे मोहतरम अनीस नैयर साहब को कि उन्होंने कबूल किया हमारे इस जज्बे को कि हम उनकी शाम मनाना चाहते हैं, हम उनका जश्न मनाना चाहते हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं अपनी जानिब से भी, मेरे बड़े भाई वाहिद अंसारी की जानिब से भी, यूसुफ दाऊद साहब, जमील साहिर साहब और जितने लोग भी इस मुशायरे में लगे रहे, साबिर भाई, माजिद भाई, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बात मानी। मैं इन दिनों नई गज़ल पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पर आप बहुत सुन रहे होंगे, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो गज़ल आप तक पहुंचा सकूं और आपसे दुआएं हासिल कर सकूं। बस मुझे थोड़ी देर ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप सिर्फ सुनने बैठे हैं। मैं मतला पढ़ूंगा और आप सबसे गुजारिश है कि जब मतला मुकम्मल हो जाए तो आप खामोश न रहें, आप अपनी शिरकत जाहिर करें और मुझे बताएं कि मैं मतला कहने में कामयाब रहा। जियो, क्या बात है अल्ताफ भाई। अरे मेरी जान जान रहा तू। देखिए ये जो भी बेवकूफ है ये क्यों लगाया हुआ, ये कह रहा होगा कि ये गजल पढ़ गया, ये इसको यही नहीं मालूम मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो भी हो इंशाल्लाह पेश करता हूँ। नहीं वो तो सुन रही भाई, अदब से बैठ कर ये बता रहे हैं क्या पढ़ रहा हूँ वही तो देख जी। कम से कम छह मुशायरों में मैंने ये गजल पढ़ी है, लेकिन तश्ना है मेरी गजल, जब तक माले गांव वाले मुझे सनद ना दें मैं इस गजल को कामयाब नहीं मान पाऊंगा। तेज तेज आँखों आँखों
दरिया में तुम जानी है, दरिया में तुम जानी है, दिल में अगर तेरे दर्द नहीं, दिल में अगर तेरे दर्द नहीं, जिसके दिल में दर्द नहीं है वही खामोश रहेगा। अब देखना ये है कि कठोर कितने बैठे हैं। दिल में कोई दर्द नहीं, दिल में तेरे दर्द नहीं, बेमानी है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल मेरा तेरे दर्द नहीं, जीना तेरा बेमानी है, जीना तेरा बेमानी है। आज अचानक आईना, आज अचानक भाई मुश्ताक शेर पढ़ता हूँ। मेरे भाई वाहिद भी मुझे बहुत नवाज रहे, मैं इन दोनों की नज़ करता हूँ। आज अचानक आईना, देख के क्यों हैरानी है, देख के क्यों, वाह 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 वाह, देख के क्यों हैरानी है, देख के क्यों हैरानी है। अब एक मिसरा मैं कहूंगा और एक मिसरा ये जो जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये कहेंगे, इसलिए कि मैं मालेगांव में शेर पढ़ रहा हूँ, अपने शहर में अपने वतन में शेर पेश करता हूँ। शेर मुलाजम शरीफ भाई देखिए, दरिया में तुगयानी है आसानी में मुश्किल है। कह दिया गया मुश्किल है, आसानी में मुश्किल है, मुश्किल में आसानी। मुश्किल में आसानी है, मुश्किल में आसानी है। देखना ये है कि यहाँ पर जरूरतमंद कितने हैं, ऐसे जरूरतमंद जो किसी को भूल जाने से गम नहीं बनाते। अब देखना ये है कि यहाँ पर पुख्तगी किन किन लोगों में, पेश करता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों को शरीक करता हूँ। मुश्किल में आसानी है, मुश्किल में आसानी है, आज ये हमने खानी है, आज वाह 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 वाह, आज ये हमने खानी है, आज ये हमने खानी है,
और भाई वाहिद साहब, ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप नोट करें, अगर एक शख्स भी खामोश रहा तो मैं समझूंगा उसे पूरे मुशायरे में कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ यहाँ पे आकर के वो नजारा देखता रहा और वो ये सोचता रहा कि अब उसके लायक मामला आएगा। लेकिन अगर ये पूरे लोग ईमानदार हैं और अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं तो कोई बंदा मेरे शेर पर खामोश नहीं रह सकता। मैं ये शेर मेरे भाई परवाज आजमी के हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ। दिल आज ये ठानी है बाकी रहेगी जात उसकी। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दुनिया तो पानी है। भाई जोरदार तालियों से आप जोरदार सुनना चाहते हैं तो जोरदार तालियों से आप भाई इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर। ठीक है देखिए ये जो गजल मैंने पढ़ी आपने बड़ी मोहब्बतों से इस गजल को सुना और ये मेरा हक भी था मेरा फर्ज भी था कि एक फनकार का जश्न है तो मुझे एक गजल पढ़नी चाहिए। मैं जी भाई सुने जी जी ये सब गजल के लोग चले गए गड़बड़ के लोग बचे हैं। नहीं नहीं आप कुछ शेर सुने दोस्तों जी लगा के जो लोग जा रहे हैं उनको खामोशी से ये है कि जितनी तड़प आपकी फरमाइश में है उतनी तड़प से आप सुनते भी हैं या नहीं। मेरे बुजुर्ग अभी नहीं उठे शायद वो भी यही सुनना चाह रहे हैं तो मैं इससे कब्ल के चार मिसरे पढ़ूं उसकी तमहीद में वो नज्म पढ़ूं उसकी तमहीद में मैं चार मिसरे पढ़ूं मैं पढ़ता हूँ सुने सुने जी भाई सुने सुने आप जो लोग बैठे हैं जो सुनना चाहते हैं एक मर्तबा सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं फिर जी भाई जा जा मुझको अपना बना भाई ये गजल पहले भी लग सकती थी लेकिन आप समझ लें कि ये साहिब जश्न अनीत नैयर साहब तो कितनी ईमानदारी से अल्ताफ जिया साहब ने वरना ये गजल पहले भी लग सकती थी। सब सुने तो बस ऐसे यही माहौल बना रहे तो इसमें 27 शेर हैं पढ़ते पढ़ते दो तीन शेर और हो सकते हैं तो आप अगर साथ दें तो मैं 30 शेर पढ़ूंगा। सुनाएं शरीफ भाई आप भी जवान हो जाओ। मुझको अपना बना चुकी हो क्या 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 मेरे बारे में जानती हो मेरे बारे में जानती हो ये डांस मत करो यार डांस नहीं करो ये देखिए इससे अदब सीखे आप इस मासूम से अदब सीखे आप। ये अभी जवान नहीं हुआ लेकिन ये भी किसी को जान रहा है और इसको भी कोई जान रहा है। भाई साहब बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे वाह भाई भाई ये ले मुझको अपना बना चुकी जैसे सुनोगे आप वैसे सुना दूंगा आपको। तुम मेरे हाथ क्यों नहीं सुने मुझको अपना बना चुकी हो क्या मुझको अपना बना चुकी हो क्या मेरे बारे में जानती हो क्या तुम मेरे हाथ क्यों नहीं आती है
गई हो क्या इश्क पर बात करती रह रही हो। नहीं इधर वाले नहीं बोले बोले इश्क पर बात करती रहती हो। अरे जो खड़े हैं ये बस खड़े ही हैं। अल्लाह इन्हें बिठा दे और ये भी बोलने लग जाए आप जैसा। लेकिन इंशाल्लाह मेरे इस दूसरे मिस्र पर ये भी बोलेंगे। मुझको अपना बना चुकी हो क्या मेरे बारे में जानती हो क्या मेरे बारे में जानती हो क्या इसके पर बात करती रहती हो। इसके पर बात करती रहती हो इसका अंजाम जानती हो क्या इसका अंजाम जानती हो क्या इसका अंजाम जानती। बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया भाई। वाह वाह वाह। मुझको अपना बना चुकी हो क्या मेरे बारे में जानती हो क्या। एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर जिस पर मेरे शायर दोस्त मुझे नवाजेंगे। आईना तुमको देखता हो आईना तुम आईना आईना तुमको देखता होगा आईना तुमको देखता होगा आईना तुमको देखता होगा आईना तुमको देखता होगा। तुम भी आईना देखती हो क्या तुम भी आईना देखती हो क्या तुम भी ना देखती हो क्या मेरे हर बात से तुम्हें है दूर मेरी हर बात से तुम्हें। ये नहीं सुना होगा ना बना बना तो शेर पढ़ रहे हैं इसलिए कि आप सुनना शुरू कर दिए। पढ़ूं मुझको अपना बना चुकी हो क्या मेरे बारे में जानती हो क्या आईना तुमको देखता होगा तुम भी आईना देखती हो क्या मेरी हर बात से तुम्हें साफ कहे तो चाहती हो क्या साफ कहे तो चाहती हो क्या साफ कहे तो चाहती हो क्या। मिनट अभी मजा लेना इस शेर का कौन हाँ एक मिनट अभी आया कौन हाँ एक मिनट अभी कौन हाँ एक मिनट अभी आया। अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या। जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी जिस तरह सोचता हूँ। देखिए अभी तक सिर्फ यही शरीफ भाई के आसपास के चार लोग शरीफ हुए हैं बाकी ये 40 खामोश थे तो ये इनकी नस्बत करता। मुझको अपना बचा बना चुकी हो क्या जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी जिस तरह सोचता हूँ मैं जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी मेरे बारे में सोचती हो क्या मेरे बारे में सोचती हो क्या। अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता <laughs> <laughs>
नहीं अदब है ये, वो आप बोल सकते हैं। बोले तूने टावर गिरा दिया, सुन क्या बोला हूँ, अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता, अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत दूर जा चुकी हो, सही लग गया। अब ये भी सुन ले, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, अरे आप भी हो जाओ, क्या बात है, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, मेरा नंबर बुला चुकी हो। आए हुए सभी लोगों के शुक्रिया के साथ आज की महफिल के भाई आज की